मैसेज हेलो हेलो स्टूडेंट, नो वन विल ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप विदाउट माई परमिशन. ओके, सो प्लीज इफ यू आर एडिंग एनी वन फर्स्ट इन्फॉर्म मी एंड देन ओनली यू कैन डू इट. इज दिस क्लियर? यस सर, कैन यू प्लीज शेयर द स्क्रीन अगेन, आई वांटेड टू नोट इट डाउन। वो वाला स्क्रीन नहीं आएगा अभी, बिकॉज दैट वॉज इन अच्छा, द मीटिंग. सो वो आपको अभी रिकॉर्डिंग से होगा. सो कैन आई जस्ट आस्क बाय, या हाँ बोलो. ओके, सो पी इज इक्वल टू 100 टाइम्स 100 टाइम्स 80 एंड डिनोमिनेटर वाज 8 टाइम्स 8 और वाज देयर एनीथिंग एल्स? फिर से वो फॉर्मूला लिख के देता हूँ. पी इंटू आर अपॉन 100 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 80. ओके, ओके, दिस इज पी इंटू 8 इंटू 8 अपॉन 100 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 80. आई थिंक नाउ एवरी वन नोज दिस इज डन फ्रॉम ग्रेड 4. डिनोमिनेटर विल गो ऑन द अदर साइड एज मल्टीप्लीकेशन, न्यूमरेटर विल कम एज डिविजन. ओके, तो हो जाएगा 80 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन 8 इंटू 8. Yes, sir. I just wanted to confirm if it was correct. So then what's the formula for 3 years? We'll do it afterwards, not now. As in time when Okay, questions, sir. I'll explain all these things. If today we get it, otherwise in the next class, whenever such type of question will be there, sir will explain. Okay. चलो, वी Okay. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स, सो एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 783. हाँ बोलो. Sir, it is consecutive odd number, so it should be x plus 2, right? सॉरी सॉरी, एक्स प्लस 2. यस, ओके. नाउ सी, इंस्टेड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 7th में है. ओके, तो Sir, इंस्टेड but what is the guarantee that x is an odd number? Shouldn't it be 2x plus 1 यू कैन and टेक then एनी 2x नंबर plus एज ऑड 3? नंबर. नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है. आप कोई भी नंबर एक्स ऑड ले सकते हो ना, इक्वेशन तो वही बनेगा. आप इसको अगर एक्स प्लस टू लोगे तो ये एक्स प्लस 4 हो जाएगा. इट डजेंट मैटर. ओके, अभी देखो, यहां पर आप या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x इज इक्वल टू 783. देन यू सॉल्व दिस एंड यू गेट द आंसर एज व्हाट इज एक्स. फाइंड द अदर नंबर एंड देन स्मॉलर नंबर का आपको क्या, सॉरी ग्रेटर नंबर का मल्टीपल फाइंड आउट करना है. अभी मैं आपको एक ट्रिक बोलता हूँ. ये आई डोंट नो फ्रॉम लाइक, ये कोई बुक में नहीं है, या मैंने वाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स आई हैव कम अप टू दिस. व्हाट इज 5 इंटू 7? 35. व्हाट इज 9 इंटू 11? 99. दे आर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स. These two are Yes, consecutive yes. numbers. These two are consecutive odd numbers. Now you see the relation. 5 and 7 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 6. This number Six. is 1 less than 6 square. यहाँ पर 10 बीच में आता है, तो 10 square minus 1. कोई भी नंबर आप देखो, 7 into 9, 63. 8 square minus 1. Correct? Yes or no? सर
कैन वी यूज दिस ट्रिक विथ कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स? सानवी, व्हेन यू आर इन सेवेंथ यू टॉक अबाउट ग्रेड सेवन, राइट? डू यू टॉक अबाउट ग्रेड टेन? नो। तो अभी हम ऑड नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो हम ऑड नंबर्स पे रह गए। व्हाई वी नीड टू गो टू इवन नंबर्स? फर्स्ट वील अंडरस्टैंड दिस सम, देन वील टॉक अबाउट अदर थिंग्स। ओके, सो ये आपको पैटर्न समझ में आ रहा है? यस सर। टू तो सर डेट, अभी ये होगा एक्स प्लस वन वेट होल वेट स्क्वायर वेट माइनस वन। वेट, प्लीज वेट। आप हैंड रेस करो, फिर बात करो। जिनको भी डाउट है ना कुछ, अगर पूछना है आप पहले जूम का ऑप्शन से हैंड रेस करो, फिर मैं आपको अलाउ करूंगा बात करने। ओके, पहले मुझे ये बताओ ये समझ में आया है पैटर्न या नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आया, रेज योर हैंड, आस्क योर डाउट्स, और जिसको कुछ और डाउट्स है उसके लिए भी रेज योर हैंड, देन आई विल अलाउ यू टू टॉक। ओके, यू चेक एनी नंबर। 11 × 13 कितना होता है? 143। इट इज 12² - 1। नो एनी वन हैज एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस कंसेप्ट? नो सर। नाउ वील यूज दिस ओवर योर। तो ये जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनके बीच में जो नंबर होगा ये उसके स्क्वायर से एक कम है, तो इसमें एक अगर ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा? 784। 784 किसका स्क्वायर नंबर है? 28 ट्वेंटी 28 करेक्ट। सर। 28 सो द मिडिल नंबर इज 28। दैट मीन्स द टू नंबर्स आर 27 और 29, करेक्ट? नाउ विच इज द ग्रेटर नंबर? तो आपको कौन सा नंबर 29 से डिविजिबल है ये चेक करना है। समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया हमने? हाँ सर। यस सर। अभी 29 के मल्टीपल्स आपको चेक करना है, तो आप हर एक ऑप्शन को 29 से डिवाइड करके देखो। अभी कोई ट्रिक नहीं है, हम प्राइम नंबर है, डायरेक्टली आप डिवाइड करो, ठीक है? अभी देखो, 29 × 20 करोगे तो 580 आता है। फर्स्ट ऑप्शन इज 594, तो वो तो डिविजिबल नहीं है। ओके, अभी 29 × सम नंबर गिव्स यू 1422, यू जस्ट चेक। तो ये आप खुद आंसर निकालोगे इसका? ये स्टूडेंट्स, सर इट इज नॉट डिविजिबल। हाँ, तो यू चेक ऑल द फोर ऑप्शंस, थ्री ऑप्शंस, फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। तो अगर पहले तीन में से नहीं हुआ तो डायरेक्टली आंसर आपका नन ऑफ दीज है। मेथड समझ में आ गया ये वाला? सो सी, दिस विल सेव योर टाइम इन एग्जाम इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट इवन नंबर्स। आई थिंक समवन हैड आस्क्ड, तो आप चेक करो। 4 × 6 = 24, 6 × 8 = 48, 8 × 10 = 80। इज इट ट्रू? इफ यू एड वन टू ऑल ऑफ देम, व्हाट यू गेट? स्क्वायर्स 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 9 स्क्वायर। सो दिस ट्रिक इज वर्किंग फॉर बोथ ऑफ देम। सो जिसने मुझे इवन नंबर का पूछा था, ये उसके लिए भी एप्लीकेबल है। इज दिस क्लियर एवरीवन? बट सर द डिफरेंस इज हाँ, हम लोग ऑड नंबर्स में सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, यहाँ पे ऐड कर। नहीं, यहां पर भी तो ऐड ही किया ना हमने। स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये नंबर आएगा, तो यहां पर भी बीच में जो नंबर है उसके स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 24 आएगा ना। बट ये जो प्रोडक्ट है इसमें 1 ऐड कर रहा है, तभी हमें स्क्वायर नंबर मिल रहा है। ओके सर। दिस इज 168, एंड इफ यू ऐड 1 टू दिस वी गेट 13² सो इट इज एप्लीकेबल फॉर इवन एंड ऑड बोथ। इज दिस क्लियर एवरीवन? इज दिस क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 9। अ शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल 35% अबव द कॉस्ट प्राइस। ही अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द मार्क्ड प्राइस एंड सोल्ड द आर्टिकल एट 918।
व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल. सो व्हाट वी विल डू, लेट अस अज्यूम, ओके, कॉस्ट प्राइस और ऑन द कॉस्ट प्राइस इज 200. व्हाट इज द मार्क्ड प्राइस देन? 130, 260, नहीं 270, सेवेंटी इसमें 35% ऑफ ये नंबर ऐड करो. 270. 270 सेलिंग प्राइस कितना है? 270 माइनस 15%, तो 27 प्लस 13.5. कितना होता है? सो वी टेक 85% ऑफ 270, राइट? हाँ, बट इट्स बेटर ना आप सब्ट्रैक्ट करो, तो इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा? 229.5. ओके, दिस इज योर सेलिंग प्राइस, दिस इज योर कॉस्ट प्राइस. समझ में आया? सो परसेंट चेंज इज हाउ मच? 29.5 अपॉन 200 इंटू 100, करेक्ट? सो 29.5 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है? 14.75, करेक्ट, 4.7, 14.7. 14.75. ओके, नाउ यू गेट टू, वी गेट बैक टू द आंसर. एक्स प्लस 14.75 ऑफ एक्स, परसेंट ऑफ एक्स, ओके, अपॉन 100 बेसिकली इज इक्वल टू 918. ओके, अब ये सिंपल इक्वेशन है, तो 100x प्लस 14.75x अपॉन 100 इज इक्वल टू 918. ओके, सो वी गेट 918 इंटू 100 इज इक्वल टू 114.75x. सो एक्स इज इक्वल टू 918 इंटू 100 अपॉन 114.75. इज दिस क्लियर? यस सर, क्लियर. व्हेन यू सॉल्व दिस यू गेट द आंसर एज द कॉस्ट प्राइस इज 800. अभी ये 200 मैंने क्यों लिया, आई विल एक्सप्लेन यू दिस. ओके, वी या तो आप क्या कर सकते हो, देखो ऑप्शन से चेक करोगे तो बहुत टाइम जाएगा ये सब में. तो हमने पहले कंसिडर किया, वी ऑलवेज कंसिडर कॉस्ट प्राइस टू बी 100 फॉर सच सम वेयर वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट द कॉस्ट प्राइस एंड ऑल दिस थिंग्स. अभी अगर हम 100 कंसिडर करते तो 100 का 35% मतलब 135 होता, एंड फिर 15% डिस्काउंट करते तब भी हमें सेम आंसर आता. बट आई वॉन्टेड माई कैलकुलेशन टू बी ईजियर देन दिस पार्ट, तो इसीलिए मैंने 200 कर दिया, क्योंकि 200 का जब 35% लेते हैं तो 70 आएगा, तो हमारा मार्क्ड प्राइस 270 आया, फिर 15% डिस्काउंट करके हमें आया 229.5. यहां तक समझ में आया है? स्टूडेंट्स, हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? यस सर, सो व्हाट वी हैव डन, यस सर, हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकाला कि जब हम 35% प्राइस बढ़ा रहे हैं, फिर 15% डिस्काउंट देके फाइनली जब बेच रहे हैं प्रोडक्ट, तो प्रॉफिट परसेंट हमारा कितना है? 14.75%. दिस इज योर प्रॉफिट. सो परसेंट, प्रॉफिट परसेंट विल रिमेन द सेम थ्रू आउट द कैलकुलेशंस और थ्रू आउट द सम, व्हाट एवर द कॉस्ट प्राइस भी. ओके, तो फिर हमने ये सेम एप्लीकेबल, हमने सेम अप्लाई किया हमारे मेन सेलिंग प्राइस के क्वेश्चन में, एंड वी गॉट द कॉस्ट प्राइस. इज दिस क्लियर? यस सर. सर, कैन यस यूनिटरी व्हाट? सर, कैन वी डू दिस सम बाय यूनिटरी मेथड? देखिए अभी कैसा है, आप चेक करो, 200, 229.5 गोज विथ, अभी यहां पर एक्स ले गए और यहां पर आएगा 918. सो वी गेट 918 इंटू 200 अपॉन 229.5. यस कविश, व्हाट इज योर डाउट?
अंडरस्टैंड दैट इज जस्ट बेसिक इक्वेशन विच वी हैव यूज्ड एंड यूजिंग ओके आई अगेन एक्सप्लेन ओके या यूनिटरी मेथड से भी आपको आंसर आ जाएगा. जिसने यूनिटरी मेथड पूछा है तो फिर आप ये इक्वेशन नहीं भी बनाओगे तो चलेगा. इतना फाइंड करके यूनिटरी मेथड यूज करो तब भी आपका आंसर 800 आ जाएगा विच इज द कॉस्ट प्राइस. ओके सो यूनिटरी मेथड विल बी मच मोर इजियर एंड लेस कैलकुलेशंस. ओके स्टूडेंट्स कविश डिड यू अंडरस्टैंड द यूनिटरी मेथड पार्ट. यस सर दैट आई अंडरस्टैंड. हाँ तो फिर आप कैसे यूज करो कम टाइम कंज्यूम होगा. ये इक्वेशन बनाने में प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करने में ज्यादा टाइम जाएगा. थैंक यू सॉरी हैज एवरीवन अंडरस्टूड. यस सर यस सर यस सर I'll give question number 10 as homework, okay? Question number 11. Mahesh and Umesh can complete a work in 10 and 15 days respectively. Umesh starts the works and after 5 days, Mahesh also joins them. And how many days the total work will be completed? तो पहले तो अभी आपको यूनिटरी ये जो टाइम वर्क वाला पार्ट है ओके आता है सबको. लॉजिक इसके बिहाइंड यू नो द बेसिक फॉर्मूला. महेश टेक टोटल 10 डेज ओके सो 1 डेज वर्क इज इक्वल टू 1/10. एवरीवन नोस दिस. यस सर सर अगर नहीं पता है तो मतलब आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है फर्स्ट लेवल के लिए. तो फर्स्ट लेवल का जो बुक है वो यूज करो. 15 डेज है तो इसका 1 डेज वर्क इज हाउ मच. टोटल नंबर ऑफ डेज विल गो इन द डिनोमिनेटर 1/15. हाँ करेक्ट. नाउ महेश स्टार्टेड द वर्क राइट. नहीं उमेश स्टार्ट्स द वर्क फॉर 5 डेज ही वर्क्स अलोन. तो 5 डेज में कितना काम करेगा उमेश. 1/3 1/3 वर्क्स सर 2/3 वर्क्स. रुको रुको पूरा आंसर नहीं चाहिए हमें. 1/15 इंटू 5 1/3 ऑफ द वर्क इज डन. टोटल वर्क इज 1 करेक्ट. यस ऑर नो. सो टोटल वर्क इज इक्वल टू 1. रिमेनिंग वर्क इज 2/3. नाउ दे विल बी वर्किंग टुगेदर ओके. सो वर्किंग टुगेदर मतलब महेश प्लस उमेश का 1 डेज वर्क इज हाउ मच. 1/10 6 1/15 1/6 32 + 3 5/30 करेक्ट 1/6. सो इन 1 डे दे आर गोइंग टू कंप्लीट. 1 डे इज इक्वल टू 1/6. हाउ मेनी डेज विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 2/3. 4 डेज सर करेक्ट. 4 डेज. सो टोटल नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क इज सर 2/3 × 6/1 9 डेज. करेक्ट. तो यहां पर इनको 4 डेज लगे. महेश वर्क अलोन फॉर 5 डेज. सो टोटल डेज 9 5 + 4. Is it clear, everyone? Yes. Students will end the class at 8:10, okay? I'll not take till 8:30. Because of some urgent work, okay? So by 8:10, I'll leave you. The remaining 20 minutes, na, I'll ask sir to take it in the upcoming classes. Okay? Okay, students. Yes, sir.
Yes, sir. So the 10th sum. 10th sum is for homework. Kavish, please be on mute. Sir, can you go to the previous slide for one minute? Yes, sir, done. A train crosses a man standing on a platform bridge 300 meters long in 10 seconds. And the plat sorry, a man and platform in this much. What will be the time taken to cross a platform 200 meters long? Okay. So now first thing we need to understand is when it crosses a person. Okay. Crosses a person slash pole. Distance covered. Sir, the train has to cover the distance equal distance. To its distance of train. Crosses a platform. Sir, we add the length of the train and length of the platform. Distance of platform. And train. मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन है बेसिकली बट मैं अभी डिस्टेंस ही लिख रहा हूँ सो दैट इजीली हम कैलकुलेट कर लेंगे अभी ओके तो ये वाला ट्रैवल करने के लिए ही ट्रेन टेक्स हाउ मच 10 seconds वन मिनट है स्टूडेंट्स 10 seconds यहाँ पर लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज 300 meters प्लस एक्स यहाँ पर डिस्टेंस इज एक्स यहाँ पर टाइम टेकन इज 25 seconds ओके डिस्टेंस सर इट इज 10 seconds ना हाँ फॉर मैन हाँ करेक्ट मैंने 10 ही लिखा है यहाँ पर ओके सो वॉट वी नीड टू फाइंड आउट हाउ मच स्पीड या तो स्पीड कैलकुलेट करेंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड योर स्पीड इज इक्वल टू एक्स प्लस 300 अपॉन 25 बोथ आर सेम स्पीड दोनों का सेम है तो एक्स बाय 10 इज इक्वल टू एक्स प्लस 300 अपॉन 25 So what we get 25x is equal to 10x plus 3000 15x is equal to 3000 x is equal to 200 meters per second समझ में आया speed of train हमें मिल गया अभी हमें क्या करना है पहले तो लेंथ ऑफ ट्रेन फाइंड आउट करना है करेक्ट सो 300 प्लस एक्स इज इक्वल टू 200 इंटू 25 राइट एम आई गोइंग करेक्ट ओवर हियर इज इट कैन यू एक्सप्लेन एक यस सर
लेट मी चेक. पहला इक्वेशन डिस्टेंस, पहला वाला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू 200 मीटर्स पर सेकेंड. ओके इज द स्पीड विच इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन 10. सो लेंथ ऑफ ट्रेन इज 2000 मीटर्स, यस और नो? मीटर इट विल बी 2000 मीटर. टू किलोमीटर. हाँ मैंने टू, हाँ करेक्ट वही लिखा है, बट आई थिंक देयर सम थिंग आई एम मिसिंग. और यस बिकॉज हाउ कैन अ ट्रेन बी 2 किलोमीटर एंड प्लेटफॉर्म ओनली 3. नहीं इट्स नॉट, सर रुक जाओ रुक जाओ, प्लीज वेट. सर यू हैव रिटन एक्स इज इक्वल टू 200 मीटर पर सेकेंड. सर हाँ विच इज स्पीड ऑफ द, इट इज मीटर सर. यस सर इट्स लेंथ ऑफ द ओके डिस्टेंस ओके ओके, इज सॉरी सॉरी सॉरी, ओनली आई मीटर्स. वाज रॉन्ग. ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन जिसने भी पॉइंट आउट किया. या वी आर गोइंग करेक्ट ओनली, जस्ट दैट आई कैलकुलेट, मैंने रॉन्ग लिखा है वो. तो अभी हमें क्या मिला है, लेंथ ऑफ द ट्रेन मिल गया है. सो स्पीड ऑफ द ट्रेन हमारे पास है, स्पीड इज इक्वल टू 200 अपॉन 10 विच इज 20 मीटर्स पर सेकेंड. नाउ दे हैव आस्ट अस इफ द ब्रिज लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इज 200, हाउ मच टाइम विल इट टेक. सो प्लेटफॉर्म इज 200, लेंथ इज इक्वल टू 200, तो टोटल डिस्टेंस इज 400 मीटर्स, स्पीड इज इक्वल टू 20, सो टाइम इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स. तो प्लेटफॉर्म डिस्टेंस अंडरस्टूड? प्लेटफॉर्म 300 ना सर. नो वन विल टॉक इन बिटवीन. ओके अगर किसी को कुछ भी डाउट है, रेज योर हैंड, आई विल गिव यू टाइम. हाँ बोलो प्रिया, क्या डाउट है? सर लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज 300 दैट इज इन नॉट द टू फर्स्ट हंड्रेड केस. व्हाट इज, व्हाट दे हैव आस्क्ड इन द सेकंड केस, इफ द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इज ओह 100 मीटर्स, देन हाउ मच टाइम विल इट टेक? ओके सर थैंक यू. सहजा व्हाट इज योर डाउट? सर आई वांटेड टू आस्क व्हाट इफ वी अज्यूम द लेंथ ऑफ ट्रेन एज 10 सेकेंड्स एंड देन वी सब्ट्रैक्ट 10 सेकेंड्स फ्रॉम 25 सेकेंड्स एंड अज्यूम दैट द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज 15 सेकेंड्स. इफ 300 मीटर फॉर 15 सेकेंड्स देन फॉर 10 सेकेंड्स एंड एट द डिस्टेंस ऑफ ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म नंबर टू दैट इज 200 मीटर वाला प्लेटफॉर्म सो इट विल बिकम 20 सेकेंड्स. सो इज इट राइट? सी अजम्पशन कैन बी डन, बट फॉर डिफरेंट प्रॉब्लम डिफरेंट अजम्पशन हैज टू बी टेकन देन. सो यू कैन डिसाइड वेदर यू वॉन्ट टू अज्यूम, क्या करना है आप कर सकते हो ना, इट्स नॉट रॉन्ग, बट दिस इज द बेसिक मेथड विच वी यूज. ओके सर चलो वील मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वी नीड टू कंप्लीट दिस पेपर नाउ. ओके एरिया ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 96% व्हेन द साइड ऑफ द स्क्वायर इज इंक्रीज बाय x%, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? ओके सो लेट एरिया बी 100. ओके एरिया इज इक्वल टू 100, साइड इज इक्वल टू 10, एरिया इज इंक्रीज बाय हाउ मच? 96%. तो इसमें 96% ऐड करेंगे तो न्यू एरिया क्या हो जाएगा? 196 196. सो व्हाट विल बी द साइड ऑफ दिस स्क्वायर? 14. 14 व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज ओवर योर? तो4% सर आंसर इज 4 और 40. परसेंटेज इंक्रीज कितना है? 40% सर 40. सो व्हाट डज एनी स्टैंड
एनए मतलब न्यू एरिया लिखना है मुझे बस, वो ऐसा कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, वो तो मैंने अभी लिखा है बस, रिलेटेड टू द क्वेश्चन। एनए मतलब न्यू एरिया एंड एन साइड मतलब न्यू साइड। इज द क्वेश्चन क्लियर एवरीवन? यस सर, यस सर। सर व्हाई डिड वी टेक इट 14? हमने लिया नहीं है, अगर एरिया इज 196, व्हाट इज साइड ऑफ द स्क्वायर? ओके रूट वन। हैज एवरीवन अंडरस्टूड? यस सर, यस सर, यस सर। हाँ कनन, व्हाट इज योर डाउट? सॉरी सर, माय मिस्टेक। वन 34.56 इज इन बिटवीन 121 एंड 144, करेक्ट? दीज आर द टू स्क्वायर नंबर्स जिसके बीच में वो आएगा नंबर, यस और नो? यस सर, नाउ द नंबर कैन बी बिटवीन दिस टू, तो विल कंसिडर 11 पॉइंट। अभी हमारे पास 56 आया है, तो आइदर इट इज 11.6 और 11.4, करेक्ट? यस सर। नाउ तो ऑप्शन इज 11.4 और 11.6। नाउ हाउ टू फाइंड आउट विच वन? आइदर यू स्क्वेयर बोथ ऑफ देम एंड चेक, और वॉट वील डू, वॉट इज 11.5 का स्क्वेयर? वी नो व्हेन द नंबर इज एंडिंग विथ 5, इट इज वेरी इजी, वन यू विल राइट। थ्री टू टू फाइव 132.25। हाँ ये नंबर इससे बड़ा है, तो मतलब 11.4 नहीं होगा, तो क्या बचेगा? 11.6। 11.6। अभी आप चेक करो 11.6, हमारे बस चेकिंग के लिए हम कर रहे हैं चेक, ओके? 11.6 का स्क्वायर चेक करना है, तो 36, 121, 11 इंटू 6, 66, 132, 1320, तो 6543, 134.56, इज इट करेक्ट? सो वी गॉट 11.6 प्लस अंडर रूट 7 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 15.6, तो अंडर रूट 7 प्लस x² इज इक्वल टू 4, मतलब वैल्यू क्या आना चाहिए? 7 प्लस x² इज इक्वल टू 16, x² इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 3। सर वेयर डिड 4 कम फ्रॉम? 15.6 माइनस 11.6, दिस प्लस विल गो ऑन द अदर साइड एज माइनस, ओके अंडरस्टूड। तो देन वी व्हाई डिड यू टेक 11.4 इनटू 11.6? मैंने आपको मैंने लिया नहीं है ये आपको समझाने के लिए वैल्यूज दिया है। दिस नंबर कम्स बिटवीन दीज टू नंबर्स, सो दैट मीन्स इट्स स्क्वायर इज इन बिटवीन 11 एंड 12। नाउ व्हेन वी हैव एंडिंग विद 6, आइदर वी हैव टू ऑप्शन, आइदर इट कैन बी 11.4 और 11.6, करेक्ट? ओके सर, आई गॉट इट, आई गॉट। देन आई कैंसिल दिस वैल्यू बिकॉज आई चेक 11.5 स्क्वायर इज दिस, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस, तो 11.4 स्क्वायर नहीं सर होगा। अंडरस्टैंड? ये से स्टार्ट हुआ ना, 7:30 तक देख ले। आरव धवन प्लीज बी ऑन म्यूट। डन स्टूडेंट्स? सर इन द 7 प्लस x² इक्वल 16, द सेकेंड लास्ट स्टेप वी रिमूव द अंडर रूट, सो व्हाई डिडंट वी स्क्वायर 7? आई मीन देखो इसको पूरे को स्क्वायर किया है, ठीक है, तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा ना। एक्स स्क्वायर को मैंने स्क्वायर नहीं किया, एक्स स्क्वायर एज इट इज आया है, तो हम 7 को स्क्वायर नहीं कर सकते ना। ओके सर, गॉट इट।
एक्स स्क्वायर, मैंने एक्स का स्क्वायर नहीं लिखा है, वो ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है इसीलिए एक्स स्क्वायर आया है वहां पर। प्लीज ओके सर, गॉट इट। टेक, चलो वील मूव टू नेक्स्ट सम। ओके, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, बिकॉज दिस मीटिंग एंड्स, आई वॉन्ट टू कंप्लीट दिस पेपर सो वी कैन स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। फिफ्टींथ क्वेश्चन इज वेरी इजी, ओके, इट इज जस्ट बेसिक नॉलेज ऑफ क्लॉक। तो जिनको अगर ये ट्रिक्स नहीं पता है तो आप नोट डाउन कर लो। नाउ टेल मी, वन रोटेशन इज इक्वल टू हाउ मच? 360 डिग्री। इक्वल टू 360 डिग्रीज। ओके, नाउ वील टॉक अबाउट द मिनिट हैंड। मिनिट हैंड एक रोटेशन 1 आवर में करेगा। प्लीज बी ऑन म्यूट कवेश। मिनट हैंड 1 आवर में 1 रोटेशन करेगा तो 60 मिनट्स में वो कवर करेगा 360 डिग्रीज। तो जब मिनट हैंड 1 मिनट मूव करेगा तो कितना डिग्रीज होएगा चेंज? 6 डिग्रीज। समझ में आया? एंड फॉर आर हैंड, आर हैंड को लगते हैं 12 आवर्स टू कवर 360 डिग्रीज। 1 आवर इट कवर्स 30 डिग्रीज, सो इन 1 मिनट इट कवर्स हाफ डिग्री और 0.5 डिग्री। ओके, इज दिस क्लियर? नाउ द टाइम इज 10:25, सो हियर इट इज 10, हियर इट इज 4, 5, 6, 7, 8। तो 10:25 को वेयर विल बी द आर हैंड? इन बिटवीन 10 एंड 11। वेयर विल बी द मिनिट हैंड? एट 5, करेक्ट? Yes or no, students? Yes, sir. Yes, sir. Sir, may I say something? 5, 6, 1 minute, okay? So 5, 6, 7, 8, 9, and 10. यहाँ पर हर जगह 30 degrees होगा, so 1, 2, 3, 4, 5, so 5 into 30. 150. हाँ, अभी मैंने our hand जो है, वो 10 से कुछ आगे बढ़ गया है, कितना आगे बढ़ा है? 25 minutes. तो 25 minutes में उसने कितना कवर किया? 12.5 डिग्री, करेक्ट? 12.5 डिग्री। टोटल एंगल कितना हुआ? 162.5 डिग्री। हाँ, who wanted to say something? Sir, me, there was a easier method, 30h minus 11m on 2. Okay, actually I don't use that formula, that's why I didn't teach, but yeah, we can use that formula also. So Jozu, that formula is also good. But for explanation basis, we use this method in our class. Okay? Okay, sir. But I'll explain that formula also. Or I'll ask sir to explain it in the next class, because we have similar sums like this, okay, in Mega Final. So next time I'll ask sir to explain that thing. But for basic information, like kaise use hota hai, ye method use karte hai. So isliye maine ye sare details main aapko likh ke diya hai. Okay, sir. Understood. Sir, so in every question like this, can we multiply the minutes with 6.5? 6.5 से क्यों करोगे आप minutes को multiply? Sir, so because in minute hand, 1 minute is 6 degrees and in hour hand, 1 minute is 0.5 degrees. But 25 into 6.5, 162.5 आ रहा है ना? Yes, sir. Okay, I'll check this thing. I have never checked it. Like, while solving sums, I use this method only. So I'd means that is correct for this question, but for others also I'll check and then I'll let you know. But if it's correct, like if you check for anything, okay, agar aapko aa raha hai correct, aap use kar sakte ho ye methods. Okay? Okay, sir. Now, meeting is going to end. Please rejoin. Priya, what is your doubt? Sir, I did not understand how you got 12.5. Rejoin the meeting, I'll explain. Okay, sir.